हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका ग्रुप वर्क 21वीं क्लास में। और आज हम भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, भारत के प्रत्येक हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या एक से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एक समूह पर है। इसका अर्थ यह होता है कि एक उच्च न्यायालय एक राज्य के लिए भी है। और भारत में कई ऐसी उच्च न्यायालय हैं जिनका अधिकार क्षेत्र एक से अधिक राज्यों पर भी है। उच्च न्यायालयों के नीचे अधीनस्थ अदालतों की श्रेणी है, जैसे कि सिविल कोर्ट, पारिवारिक न्यायालय, आपराधिक न्यायालय, विभिन्न जिला न्यायालय आदि। उच्च न्यायालयों का काम मुख्य रूप से निचली अदालतों से की गई अपीलों की सुनवाई करना होता है। इसके अतिरिक्त कई अन्य कार्य भी हाई कोर्ट के कार्यों के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक उच्च न्यायालय का अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनको नियुक्त तो राष्ट्रपति करता है, पर वह सलाह भारत के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल से लेता है। तो कोलकाता उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत में सबसे पुराने चार उच्च न्यायालय हैं। आइए दोस्तों, भारत की उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो कलकत्ता हाईकोर्ट भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। इसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट भारत की दूसरी सबसे पुरानी उच्च न्यायालय है। केरल हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र केरल और लक्षद्वीप पर है। हैदराबाद हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के राज्यों पर है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ राज्यों पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का क्षेत्र है। यह उच्च न्यायालय तो एक ही है और इसका तीन राज्यों पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ पर अधिकार क्षेत्र है। दोस्तों, उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी, प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, जबकि उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश का नाम अन्ना चंडी था। ये दोनों ट्रिक क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ, जबकि पहली महिला न्यायाधीश का नाम अन्ना चंडी। दोस्तों, देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और हम IAS SSC बैंक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन और आंसर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वो जानकारी आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। इसके अलावा गवर्नमेंट एवं कॉम्पिटेटिव एग्जाम संबंधित किसी भी मटेरियल के लिए आप हमारी वेबसाइट www.goforprep.com विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।